हेलो एवरीवन, लेट अस स्टार्ट विद द साइंस रिव्यू ऑफ सीबीएसई क्लास 10 सेट 2 की बात करते हैं। इसका रिव्यू लेते हैं, आज का जो पेपर था, ठीक है। सो बोर्ड एग्जाम का पेपर था, काफी सिंपल पेपर था। लेट्स चेक क्वेश्चंस। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। सो होमोलॉगस सीरीज क्या होता है कि एडजेसेंट कार्बन हाइड्रोजन कार्बन एक कार्बन और दो हाइड्रोजन की यूनिट से वो डिफर करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। तो ये भी करेक्ट है, बिकॉज जितना मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। तो इसमें ऑप्शन ए और बी करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ए। द नंबर ऑफ शेल रिक्वायर टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम का नंबर क्या है, 19। अब कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 2, 8, 8 और 1। तो यहाँ पर टोटल कितने शेल्स है, 4 शेल्स है। तो यहाँ पर क्या आएगा, डी ऑप्शन, दैट इज 4। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ प्रोसेस इन विच कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज इन्वॉल्व। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यहाँ पर देखो बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल का मतलब क्या होता है, कार्बन कंपाउंड को आप बर्न करोगे प्रेजेंस के ऑक्सीजन में, तो C+O2 गिव्स अस व्हाट, CO2। तो ये टू रिएक्टेंट गिव अ सिंगल प्रोडक्ट, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। द ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विद HCl एज वेल एज विद KOH, मतलब ऐसा ऑक्साइड जो एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है और बेस से भी रिएक्ट कर सकता है, वो कौन सा ऑक्साइड होगा, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड में से कौन सा है, दैट इज Al2O3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। योर आंसर इज ब्रॉन्ज इज अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। टूथ डीके बिगिंस एट द पीएच ऑफ, टीथ जो है सड़ना कब चालू होंगे, ठीक है। सो पीएच वुड बी 5.1। सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर। सो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड जो है वाटर से रिएक्ट करेगा। व्हेन इट रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ हीट, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि जब वो रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हीट रिलीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला ऑप्शन है, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। देखो यहाँ पर हीट जो है वो रिलीज हो रही है, तो रिएक्शन क्या हो रहा है यहाँ पर, एक्सोथर्मिक। और पीएच की अगर बात करें, यहाँ पर देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नेचर क्या है, बेसिक। तो यहाँ पर पीएच ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो मोर देन क्या हो जाएगा, 7, राइट। नेक्स्ट इज इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हेन अ पर्सन ब्रीद इन इन द पोजीशन ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम विल बी। जब वो ब्रीद इन करेगा तो रिब्स जो है वो लिफ्ट अप होंगे, ठीक है, और द डायफ्राम विल गेट फ्लैटन्ड। नेक्स्ट इज सिलेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग अ ग्लैंड व्हिच इज नॉट अकर इन पेयर। देखो ओवर इज प्रेजेंट इन पेयर व्हिच इज प्रेजेंट इन फीमेल। एड्रेनल ग्लैंड जो है वो भी पेयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है, ओवर द किडनी। टेस्टिस आर आल्सो इन पेयर। पिट्यूटरी इज आवर आंसर, जो पेयर में नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट की अगर बात करें, यहाँ पर देखो लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल विच सेंड्स इट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है राइट एट्रियम क्या रिसीव करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू वेना कावा, या फिर मेन वेन बोलो, फ्रॉम अपर एंड लोअर बॉडी। तो ये हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है, इसमें बी और सी ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज द राइट वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस डायग्राम। ये डायग्राम किसका है, ठीक है, दिस डायग्राम इज फॉर राइजोपस विच रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज अ क्रॉस मेड बिटवीन टू पी प्लांट प्रोड्यूसेस 50% टॉल एंड 50% शॉर्ट पी प्लांट। क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिससे 50% टॉल और 50% शॉर्ट मिले। तो अगर मैं कैपिटल टी स्मॉल टी ले रहा हूँ और स्मॉल टी ले रहा हूँ, कैपिटल टी गोज विथ स्मॉल टी एंड नेक्स्ट कैपिटल टी गो विथ स्मॉल टी। सो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये स्मॉल टी के साथ क्या बनाएगा, स्मॉल टी, और यहाँ पर भी क्या आएगा, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो दो प्लांट क्या हो गए, टॉल हो गए, ठीक है। तो 50% क्या हो गए हमारे, टॉल, और दो प्लांट यहाँ पर क्या हो गए, शॉर्ट। तो 50% क्या हो गए, शॉर्ट। तो 50:50 का जो है रेशियो बन जाएगा। सो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, सी। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट कैरिंग सोलेनोइड डज नॉट डिपेंड्स ऑन। देखो सोलेनोइड जो है इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स, इट डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द सोलेनोइड, इट डिपेंड्स ऑन द कोर मटीरियल, बट डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट पे नहीं डिपेंड करेगा। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, फाइन। द मिनिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग फायर रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम्स। मिनिमम रेजिस्टेंस ऑप्टेन करना है तो रेजिस्टेंस को हमको पैरेलल में लगाना है। ऐसे 5 रेजिस्टर्स है, कितने ओम्स के, 10 ओम्स के,
तो 1 upon 10 plus 1 upon 10 plus 1 upon 10 फाइव टाइम्स करेंगे, सो वी गेट व्हाट, 5 upon 10। तो 5 1 जा 5 2 जा, ये किसकी वैल्यू है, 1 upon R, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 ohms विल बी द आंसर। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया द डायमीटर ऑफ आई बॉल इज 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, स्टेटमेंट करेक्ट है। आयरिस इज डार्क मस्क्यूलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। ठीक है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ए और बी जो है दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ए। लेट्स कम टू असर्शन एंड रीजनिंग। असर्शन दिया है, स्टेटमेंट दिया है, द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल प्लेज नियर अ करंट कैरिंग वायर डिक्रीजेस व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इंक्रीजेस। अगर आप करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी, वो डिक्रीज नहीं होगी। तो यहाँ पर असर्शन क्या आएगा, असर्शन इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द करंट। मतलब आप करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड ही बढ़ेगी, तो ये रीजन क्या आ गया, ट्रू। तो रीजन इज ट्रू एंड असर्शन इज फॉल्स। असर्शन, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ह्यूमन फीमेल हैव परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम। ह्यूमन फीमेल के क्रोमोजोम्स के पैटर्न क्या होते हैं, एक्स और एक्स क्रोमोजोम होते हैं, तो परफेक्ट है। तो ये क्या आ गया अपना, असर्शन क्या आ गया, ट्रू। सेक्स क्रोमोजोम कंट्रीब्यूट बाय ह्यूमन मेल इन द जायगोट डिसाइड द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, सो मेल के ऊपर डिपेंडेंसी है सेक्स ऑफ द चाइल्ड, तो यहाँ पर रीजन भी क्या हो गया, ट्रू। तो असर्शन और रीजन दोनों क्या हो जाएंगे, ट्रू। नेक्स्ट है 19th question, मायोपिक आई कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। मतलब दूर की चीजें इसको नहीं दिखती है। देखो मायोपिया क्या होता है, नियर साइटेडनेस, उसको पास का दिखता है और दूर का नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर असर्शन क्या आएगा, फॉल्स। फॉर द करेक्शन ऑफ मायोपिक कन्वर्जिंग लेंस, देखो जिसको मायोपिया होता है तो आप कॉन्केव लेंस यूज करते हो, कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स लेंस नहीं यूज करते हो। तो यहाँ पर रीजन भी क्या आ गया, फॉल्स। असर्शन है, मेटल इन द मिडल ऑफ रिएक्टिविटी आर फाउंड इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। देखो यहाँ पर जिंक सल्फाइड के फॉर्म में होगा या जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में होगा, तो यहाँ पर असर्शन क्या हो गया, ट्रू। सल्फाइड ओर आर कैल्सिनेटेड, देखो सल्फाइड ओर जो है उनकी रोस्टिंग होती है और कार्बोनेट ओर जो है उनकी कैल्सिनेशन होती है, तो यहाँ पर रीजन क्या आ गया, फॉल्स। तो यहाँ पर असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ओके, लेट्स गो विद द सेक्शन बी, डिफाइन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट गिव्स अस टू और मोर प्रोडक्ट्स। ठीक है, टू और मोर प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो राइट, डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन करना है, मतलब हीट के प्रेजेंस में किसको डीकम्पोज करना है, फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, FeSO4 को हीट करना है। सो जब हीट करेंगे विल गेट व्हाट, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो ये थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। What is meant by balanced chemical equation? Balanced chemical equation का मतलब क्या होता है? Number of atoms are same. When number of atoms are same on reactant and product side. So reactant and product side पे जो है, अगर number of atoms same है, that is called as a balanced chemical equation. Why is it necessary for the equation to be balanced? तो equation balanced क्यों होना चाहिए? Because it has to follow which law? It has to follow law of conservation of mass. According to law of conservation of mass, number of atoms of reactant should be equal to number of atoms in the product. So according to law of conservation of mass would be the answer. Two test tube A and B are taken in the container. So ek test tube A hai aur ek test tube B hai. Theek hai? To dono test tube ke andar jo hai 1 ml jo hai starch le liya. Theek hai? Dono mein starch add kar diya. Okay. एड 1 ml ऑफ सलाइवा इन टेस्ट ट्यूब ए। तो यहाँ पर स्टार्च के साथ साथ यहाँ पर एडिशन किसका हो गया, सलाइवा का एडिशन हो गया। ठीक है, एंड लीव बोथ द टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब फॉर फ्यू मिनट्स। नाउ ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डायल्यूट आयोडीन सोल्यूशन। तो अब आयोडीन ऐड करना है। ठीक है, अब सलाइवा जो है स्टार्च विल गेट कन्वर्ट इन टू माल्टोस, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ सलाइवा। ठीक है,
तो सलाइवा क्या करेगा, स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा, बिकॉज स्टार्च इज अ एंजाइम विच कन्वर्ट स्टार्च इन टू द सिंपलर वन, दैट इज अ माल्टोज। और अगर मैं आयोडीन ऐड कर रहा हूँ, आयोडीन जो है स्टार्च के साथ दोनों में, अगर आयोडीन हम ऐड करते हैं तो आयोडीन का मेन स्टार्च में जो कलर है वो कलर क्या होता है, ब्लू ब्लैक। अगर स्टार्च प्रेजेंट होगा और हम आयोडीन ऐड करेंगे तो हमें ब्लू ब्लैक कलर मिलना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट वाले कंटेनर में जो है वो नहीं मिलेगा, बिकॉज तुम्हारा स्टार्च जो है वो माल्टोस में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर नो कलर चेंज होगा ए में, बट बी वाले में स्टार्च है और आयोडीन है, तो यहाँ पर कलर चेंज हो जाएगा ब्लू ब्लैक के अंदर। तो विच वन ऑफ द टू टेस्ट ट्यूब शोज कलर चेंज, तो कलर चेंज किसमें शो होने वाला है, बी वाले में। राइट द चेंज कलर ऑब्जर्व इन द टेस्ट ट्यूब, कौन सा कलर चेंज हो रहा है, यहाँ पर कलर किसमें चेंज हो रहा है, ब्लू ब्लैक, ठीक है। सो कलर चेंजेस टू ब्लू ब्लैक। वॉट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, हम ये कंक्लूजन ले सकते हैं दैट सलाइवा कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोस, ठीक है। स्टार्च जो है वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सलाइवा एक्ट्स एज अ एंजाइम बिकॉज इसके अंदर सलाइवरी अमाइलेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम टू टाइप ऑफ जर्म सेल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स, तो यहाँ पर जर्म सेल्स मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स कौन कौन से है, दैट इज स्पर्म एंड इन फीमेल यू हैव दैट ओवम। लिस्ट टू डिफरेंट स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द टू, तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल डिफरेंस देखें तो स्पर्म्स आर रिलीज इन मिलियंस एंड दे आर रिलीज वंस एट अ टाइम, फाइन। एंड स्पर्म सेल इज वेरी वेरी स्मॉल, दे आर एबल टू मूव, और स्पर्म सेल्स के अंदर क्या होगा, हेड होगा, मिडल पीस होगा और टेल होगा, ठीक है। हालांकि ओवम जो है स्पेरिकल फॉर्म है, उसके अंदर ये तीनों चीज़ें नहीं होगी, ठीक है। ये भी डिफरेंस हम ले सकते हैं स्ट्रक्चर में, तो ये स्मॉल अमाउंट स्मॉल है साइज में, और ये कंपैरेटिवली क्या है, लार्ज। यहाँ पर बहुत कम साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, यहाँ पर लॉट ऑफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, तो इतना डिफरेंस जो है स्पर्म और ओवम में हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट मूविंग टू द क्वेश्चन दैट इज स्टेट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी लिख सकते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू जैसे साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। यू कैन राइट दिस दैट इज साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। देन सेकेंड इज, तो सेकंड में हम लिख सकते हैं दैट द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइन सेम प्लेन, ठीक है। पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, खाली मेन पॉइंट लिख रहा हूं। इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइन सेम प्लेन, सो विद दिस वी कुड राइट। Define the term absolute refractive index of a medium. So absolute refractive index का मतलब क्या होगा? It is a speed of light. Okay. So it is a ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in any medium. That is called as absolute refractive index. Next continue question पूछा है, ray of light enters from vacuum to glass of absolute refractive index of 1.5, so refractive index का जो formula होता है that is speed of light in air or vacuum to the speed of light in the medium, तो यहाँ पर जो speed of light किसने find करनी हमें glass में, but refractive index का value दे दिया 1.5, तो speed of light जो है in glass we could write 3 into 10 raised to 8, और इधर refractive index की value है 1.5, वो नीचे आ जाएगी, so this is 1.5, so this could be further written as 3 into 10 raised to 8, और ये 1.5 को हम कैसे ले सकते हैं, 15 upon 10, तो एक जीरो ऊपर add on हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं further 30 into 10 raised to 8 upon 15, 15 ones are 15 twos are, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड वुड बी द आंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग ओम्स लॉ डिटरमाइंस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ohms रेजिस्टेंस, इधर V फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल्स टू I इंटू R, ठीक है। अब 3 ohms यहाँ इसकी वैल्यू तो है हमारे पास, दैट इज 3, बट करंट नहीं है,
करंट फाइंड करना पड़ेगा पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है. सो वन सेकेंड वी हैव टू अप्लाई ओम्स लॉ, दैट इज वी इज इक्वल्स टू आई इंटू आर. सो करंट फाइंड करना है तो आई इज इक्वल्स टू क्या होगा, वी अपॉन आर. ठीक है, पूरे सर्किट का करंट कितना फ्लो हो रहा है वो फाइंड करना है. सो यहाँ वोल्टेज कितना दिया, टू, और ये सब के सब रेजिस्टर जो है एडजेसेंटली कनेक्टेड है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट कनेक्टेड है, तो ये सीरीज में कनेक्टेड है. तो हमें ऐड करना पड़ेगा 2 + 3 + 1, तो कितना हो जाएगा, 6. ठीक है, सो 2 1 2 3, तो आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, आई का वैल्यू हो जाएगा 0.33 एम्पियर्स. करंट का वैल्यू आ गया. ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालो 3 ओम्स के रिस्पेक्ट से. सो वी इज इक्वल्स टू आई इंटू आर. अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और रेजिस्टेंस कितना लेना है, 3, और करंट कितना आया, 0.33. ठीक है, सो व्हेन वी टेक दिस एज 0.33 और आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0.99 वोल्ट जो है दैट वुड बी द आंसर. ठीक है, गोइंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द टर्म यूज फॉर मटीरियल विच कैनॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस. तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल. नॉन बायो डिग्रेडेबल मटीरियल. ठीक है, गिव टू वेज बाय विच दे हार्म वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. तो इनके हार्मफुल इफेक्ट्स जो है वो बताने हमें. इसके हार्मफुल ये लिखे हमने, दे पल्यूट द सॉइल, दे कुड पल्यूट वाटर, दे पल्यूट एनवायरमेंट. इफ सच वेस्ट आर बर्न दे कैन पल्यूट द एयर. हम ब्रीद इन ऑक्सीजन करते हैं और वो सारा ऑक्सीजन जो है वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू बॉडी में चला जाएगा. सो इट प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू विच द ऑक्सीजन इज ट्रांसफर्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज. रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन द ब्लड टेक्स अप ऑक्सीजन एंड नॉट कार्बन डाइऑक्साइड. रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, दैट इज द हीमोग्लोबिन. ठीक है, सो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कौन सा कंपाउंड बना लेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ओके, ऑक्सी हेमोग्लोबिन. तो हेमोग्लोबिन को है ज्यादा एफिनिटी है ऑक्सीजन के टूवर्ड्स, तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना देगा. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का कोई कंपाउंड नहीं बनाएगा. ड्यूरिंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड एज अ एंड प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमंस. देखो, एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन के लैक ऑफ ऑक्सीजन में होगा. ठीक है, और लैक ऑफ ऑक्सीजन में होने की वजह से यहाँ पर ये क्या फॉर्म करेगा, इट फॉर्म्स लैक्टिक एसिड. तो यहाँ पर क्या चीज फॉर्म होने वाली है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होने वाली है इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. 27th क्वेश्चन, नेम द मूवमेंट दैट अकर्स ऑल अलोंग द गट इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, हाउ दे हेल्प्स इन डाइजेशन. तो डाइजेशन में कैसे हेल्प करेंगे, बिकॉज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्रिएट होगा तो प्रेशर क्रिएट होगा और फूड जो है वो फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में पुश ऑन होगा. सो इट क्रिएट्स अ प्रेशर एंड पासेस द फूड इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. वेर इज द बाइल जूस स्टोर्ड, तो बाइल जूस कहाँ पर स्टोर होगा, इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर. ओके, एंड लिस्ट टू रोल्स ऑफ बाइल जूस. अब बाइल जूस जो है कि एंजाइम है, तो इसका रोल जो है ब्रेक डाउन करने का है. सो बाइल जूस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, इट ब्रेक डाउन द फैट्स इनटू फैटी एसिड्स विच कैन बी टेकन इनटू द बॉडी बाय द डाइजेस्टिव ट्रैक. तो ये ब्रेक डाउन करेगा लार्जर पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर. ठीक है, इन एंजियोस्पर्म बाय फर्टिलाइजेशन कैन नॉट टेक्स प्लेस इन द फ्लावर इफ पॉलिनेशन डज नॉट टेक्स प्लेस. अब एंजियोस्पर्म का मतलब ऐसा फ्लावर जिसके अंदर एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, या मेल हो या फीमेल हो, तो उसमें पॉलिनेशन होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन रिप्रोडक्टिव पार्ट, मे बी मेल और फीमेल. वेर इज द जायगोट लोकेटेड इन द फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन. सो यहाँ पर क्या आएगा, ओव्यूल. और वॉट डज इट डेवलप्स इन टू, ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओव्यूल विल कन्वर्ट इन टू सीड. राइट द नेम ऑफ दोज पार्ट ऑफ फ्लावर विच सर्व द सेम एज द फंक्शन द फॉलोइंग डू इन एनिमल्स. टेस्टीज जो है एक ऑर्गेन है ह्यूमन्स के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स रिलीज करेगा. ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स किसके पास होंगे, एंथर के पास, बिकॉज एंथर जो है मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स पोलन ग्रेन कैरी करेगा. ठीक है, ओवरी का फंक्शन क्या है, ओव्यूल रिलीज करना, या ओवरी का फंक्शन है ओवम रिलीज करना.
ठीक है। प्लांट्स के अंदर भी ओवरी जो है वो उसके अंदर ओव्यूली प्रेजेंट होगा, तो प्लांट्स में इसको क्या हम लोग क्या बोलेंगे, ओवरी ही बोलेंगे। नेक्स्ट इज स्टेट एनी टू ऑब्जर्वेशन व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एसिडिफाइड एसिक्यूलेटेड वाटर इन कंटेनर हैविंग ईच इलेक्ट्रोड कवर्ड विद अ टेस्ट ट्यूब विद वाटर। तो जब आप वाटर पे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, वाटर पे व्हेन यू पास इलेक्ट्रिसिटी यू फॉर्म व्हाट, H2 एंड O2 एंड व्हेन यू बैलेंस दिस, यहाँ पर आप बैलेंस करोगे तो वी विल गेट दिस इक्वेशन जिसमें 2 रेशियो किसके हो गए हाइड्रोजन के और 1 रेशियो किसके हो गए ऑक्सीजन के। ठीक है, ऑब्जर्वेशन जो है बबल्स फॉर्म होंगे, यहाँ पूछे ऑब्जर्वेशन क्या होने वाला है, यहाँ बबल्स फॉर्म होंगे, बबल्स फॉर्मेशन होगा और वाटर जो है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ केमिकली। ठीक है, राइट द रेशियो ऑफ मास ऑफ गैस कलेक्टेड एट द कैथोड टू द मास ऑफ गैस कलेक्टेड एट द एनोड। बात करते हैं एनोड की। सो एनोड इज अ रॉड हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज एंड कैथोड इज अ रॉड हैविंग नेगेटिव चार्ज। तो ये कितना मास कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब 2 गैसेस प्रोड्यूस हो रही है, H2 और O2। O2 एक नेगेटिव चार्ज का रहेगा, सो इट गेट्स कलेक्टेड एट द एनोड और हाइड्रोजन विल गेट कलेक्टेड एट द कैथोड। ठीक है, अब क्या पूछा है यहाँ पर, राइट द रेशियो ऑफ मास कैथोड अपॉन एनोड का मास लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2H2 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का मास 2 है और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ टोटल कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और मास ऑफ एनोड यहाँ पर देखो 1 है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, 16 टू जा कितना हो जाएगा 32, तो 4/32 जिसको आप 4 1 जा 4 8 जा, तो आप क्या बोल सकते हो 1:8 का रेशियो रहेगा। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन, ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर एंड व्हाट हैपेंस व्हेन द करंट इज पास। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग वाला पार्ट है मेटल नॉन मेटल का, ठीक है। तो वी हैव टेकन इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक और उसके अंदर जो है हम सॉल्यूशन लेंगे कॉपर सल्फेट, ठीक है। इम्प्योर थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर कॉपर इज मेड एज एनोड एंड अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर इज मेड एज कैथोड, ठीक है। अब जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो इसमें जो इम्प्योरिटीज है वो नीचे बैठ जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे एनोड मड, और जो भी कॉपर आयन्स है CO2 plus आयन्स जो है वो कहाँ चला जाएगा सोल्यूशन के अंदर, थोड़ा यहाँ स्पेस कम है तो CO2 plus आयन्स जो है सोल्यूशन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। फर्दर ये CO2 plus आयन्स जो है वो कैथोड पे जमा हो जाएंगे और कॉपर जमा हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कॉपर की लेयर जो है कैथोड पे फॉर्म हो जाएगी और प्योर फॉर्म में इट विल गेट कलेक्टेड, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखवा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ जो कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, तो -12 सेंटीमीटर लेंगे लेफ्ट साइड है तो, ठीक है। और इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल इज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है हमें कितना दिया है -8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है इमेज डिस्टेंस, मतलब वी फाइंड करना है मिरर फॉर्मूला यूज करके। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/F = 1/V + 1/U, आपको वी फाइंड करना है, तो रीअरेंज करो 1/V = 1/F - 1/U। फोकल लेंथ कितना है 12 है, -12 है, यू ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/8, इसका आप एलसीएम निकालोगे 24 आएगा, 12 2 जा 8 3 जा, ठीक है। सो यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा -2 + 3/24, किसका वैल्यू आया है 1/V का वैल्यू, तो ये 1/24 हो गया, तो वी कितना हो जाएगा +24 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बोला है ड्रॉ अ लेवल डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर, तो यहाँ पर रे डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो एक कॉनकेव मिरर हो गया, इसका फोकल लेंथ जो है क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया है 12 -12 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें
8 सेंटीमीटर दिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब अगर फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर सेंटर का वैल्यू कितना आएगा, सेंटर का वैल्यू 24 आएगा, बट ऑब्जेक्ट जो है वो 8 सेंटीमीटर पे है, मतलब यहाँ पर पोल और फोकस के बीच में आएगा, ठीक है। सो पोल और फोकस का जो है वो रे डायग्राम बनेगा। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, तो स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू फोकस, ठीक है। फिर यहाँ से जो है हमें इसको इमेजरी आगे लेके जाएंगे, फिर सेंटर से ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसको कनेक्ट करना है हमें। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा दैट वुड बी वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड इट वुड बी बिहाइंड द मिरर, ओके। 31 क्वेश्चन इज कम्प्लीटेड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 33 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन के अंदर और वाला है, ठीक है, और वाला देख लेते हैं। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ मिरर इज रियल एंड इन्वर्टेड। अब रियल इन्वर्टेड कौन सा मिरर फॉर्म करेगा, वो मिरर होगा कॉनकेव मिरर जिसमें मैग्निफिकेशन दे दिया है -1, ठीक है। ऑब्वियसली बात है जब कॉनकेव मिरर है तो मैग्निफिकेशन -1 ही होगा। इफ इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, मतलब वी का वैल्यू दे दिया है 30 सेंटीमीटर इमेज, ठीक है, बट ये कॉनकेव मिरर है तो यहाँ पर वी क्या आएगा, माइनस आएगा, बिकॉज कॉनकेव के अंदर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ सब क्या होता है, माइनस। वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन इज -V/U, तो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होना चाहिए, यू इक्वल्स टू -V/M, ठीक है। माइनस साइन ऑलरेडी है और वी के पास माइनस साइन, तो -30 हो गया, मैग्निफिकेशन कितना हो गया -1, ठीक है। तो आप वेन्यू कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो यू कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस भी 30 सेंटीमीटर पे है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी 30 सेंटीमीटर पे है, मतलब ये कौन सा केस है, ये वाला केस जो है, बिकॉज यहाँ पर यू और वी दोनों सेम है, ठीक है। तो अगर मैं रे डायग्राम बनाने जाऊँ, बिकॉज यू और वी दोनों सेम है, तो सेम कब होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, जब ऑब्जेक्ट कहाँ प्रेजेंट हो, सेंटर पे, इमेज भी कहाँ बनेगी, सेंटर पे, बिकॉज दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो हमारा कौन सा केस बनेगा, ये एट सी वाला केस बनेगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस क्या है, सेम, ठीक है। तो रे डायग्राम देखे इसका, सो यू हैव अ सेंटर ओवर, यू हैव पोल ओवर हियर और यहाँ पर क्या है, फोकस। सो स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू फोकस, और फोकस से कोई भी लाइन जाएगी तो प्रिंसेस को पासेस होकर कहाँ चली जाएगी, फोकस पे, ठीक है। तो ये इसका रे डायग्राम बनेगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों क्या है, सेम। वेयर वुड द इमेज फॉर्म इफ द ऑब्जेक्ट मूव 15 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, मतलब अब हमें आइडिया तो आ गया कि ये ऑब्जेक्ट अभी सेंटर पे है, बट अब बोल रहे हैं कि 15 सेंटीमीटर आगे आ जाए, 15 सेंटीमीटर आगे आ जाए, मतलब अब ऑब्जेक्ट जो है तुम्हारा कहाँ पर आ जाएगा, बिकॉज सेंटर कितने पे था, 30 पे था, अब आज 15 सेंटीमीटर आगे ले लोगे तो फोकस पे आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, फोकस पे। तो फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट हो तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी, ठीक है। तो वाला डायग्राम बनाना है, स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू फोकस और एनी लाइन पासिंग थ्रू पोल बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसका रे डायग्राम हमें बनाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अप्लाई करने के बाद हमें मालूम करना है, क्या मालूम करना है, अप्लाई द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस। देखो करंट का मूवमेंट जो है वो इनवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो राइट साइड है, तो यहाँ पर फोर्स कहाँ एक्ट करेगा, फोर्स एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो द फोर्स विल एक्सर्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। वॉट विल हैपन टू द इलेक्ट्रॉन विच एंटर द सेम फील्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर ये फील्ड में मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन इन विच द करंट इज फ्लोइंग इन द कंडक्टर ए बी, गिव द रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। अब यहाँ करंट मूव कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन को हम लोग मूव करें तो इलेक्ट्रॉन जो है करंट को अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन भी सेम वेलोसिटी और सेम डायरेक्शन से ही उसके पास मूव करेगा, बिकॉज वो रिपेल नहीं करेगा, वो साथ में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यूज ऑफ पेस्टिसाइड टू प्रोटेक्ट अवर क्रॉप्स अफेक्ट ऑर्गेनिज्म एट वेरियस टॉपिक लेवल्स स्पेशली ह्यूमन बींग्स, नेम द फिनोमेना। तो यहाँ पर क्या आएगा, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन,
ठीक है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ हार्मफुल केमिकल्स फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। जिससे आप केमिकल सब्सटेंस हो गया DDT यूज कर रहे हो, तो उससे जो है हार्मफुल केमिकल्स एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 सेक्शन डी। Let's start with section D. So upper half of a convex lens is covered with a black paper. Draw a ray diagram to show the formation of image of an object at a distance of 2f. तो अगर एक convex lens है, convex lens ले लिया, optic center हो गया, तो object का distance जो है वो 2f पे है, ठीक है। अगर object distance 2f पे है तो image भी कहाँ बनेगा? 2f पे, ठीक है। So ray diagram बना लेते हैं। Straight line पासेस थ्रू फोकस, यहाँ फोकस आएगा, ठीक है, एफ, और कोई भी लाइन ऑप्टिक सेंटर से जाएगी, सो इट मीट्स एट अ 2f। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कहाँ आ गया? 2f पे, और इमेज भी कहाँ आ गया? 2f पे, ठीक है। मेंशन द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज देखो, पोजीशन तो मैंने बता दिया, इमेज कहाँ बनेगा? 2f ही बनेगा। और नेचर ऑफ इमेज क्या होने वाला है? रियल एंड इन्वर्टेड। देखो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रहा है, एक्सिस के नीचे है। स्टेट द ऑब्जर्वेबल डिफरेंस इन द इमेज ऑप्टेन इफ द लेंस इज अनकवर्ड। अगर लेंस को आपने कवर किया है और कवर नहीं किया है तो डिफरेंस क्या होगा? देखो अगर आप अपर पोर्शन जो है हाफ पोर्शन कवर कर लोगे तो इमेज तो फॉर्म होगा, बट उसकी इंटेंसिटी इमेज की थोड़ी कम होगी, मतलब थोड़ी लाइट होगी, ठीक है। बट अगर आप कवर नहीं करोगे तो उसकी इंटेंसिटी जो है, उसकी जो शार्पनेस है वो हमें ज्यादा दिखेगी, फाइन। नेक्स्ट इज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिक सेंटर ऑफ अ कॉनकेव लेंस। देखो यहाँ पर जो लेंस है वो एक कॉनकेव लेंस है, ठीक है। कॉनकेव में अगर लेंस हो या मिरर हो, हमें याद होना चाहिए दैट यू जो है वो आप माइनस लोगे, ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड ही होगा, ठीक है। और साथ ही साथ फोकस भी जो है वो नेगेटिव में ही आएगा, बिकॉज कॉनकेव लेंस है। तो फिर माइनस 15 सेंटीमीटर लेंस फॉर्मूला यूज करो और इमेज डिस्टेंस निकालो। लेंस फॉर्मूला यूज करना है 1/f = 1/v - 1/u, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज 1/v फाइंड करना है, सो 1/v कितना हो जाएगा? 1/f + 1/u। सो व्हेन वी सॉल्व दिस, फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी है? 15 है यहाँ पर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है? -30। तो व्हेन यू टेक एलसीएम, 30 एलसीएम आएगा, 15 कितने जा? 2 जा, और 30 कितने जा? 1 जा। तो यहाँ पर कितना हो रहा है? -2 - 1/30, ठीक है। तो ये हो रहा है अपना -3/30, जो 3 1 जा और 3 10 जा। तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा? v का वैल्यू आ जाएगा -10 सेंटीमीटर, फाइन। तो हमने इमेज डिस्टेंस जो है वो ढूंढ लिया। 35th क्वेश्चन है, गिव रीजन व्हाई कार्बन कैन नाइदर फॉर्म C4+ एंड नॉर फॉर्म C4-। C4+ फॉर्म करने के लिए जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे और उसके लिए बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, सो ये पॉसिबल नहीं है। C4- कैसे वो नहीं बना सकता? बिकॉज कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो 6 एटॉमिक नंबर है तो प्रोटॉन्स कितने होंगे? 6। और 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद इसके प्रोटॉन्स कितने होंगे? 6। बट और 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। तो 6 प्रोटॉन्स जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है, ये उसका रीजन होगा। या मैंने नीचे जो है आंसर लिखे हुए है। व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज? होमोलॉगस सीरीज इज दैट सीरीज इन विच द सक्सेसिव मेंबर डिफर्स बाय 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड एज होमोलॉगस सीरीज। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है? CHO। तो पहला मेंबर क्या होगा? HCHO, और दूसरा मेंबर क्या होगा? CH3CHO, ठीक है, ये इनके मेंबर्स हो गए, इनके फॉर्मूला, ठीक है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन जो है दैट इज अ रिंग, ठीक है, यहां पर सब कार्बन प्रेजेंट है और सब जगह पे दो दो हाइड्रोजन आएंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? C6H12 वुड बी द फॉर्मूला। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। नेम अ कमर्शियल इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड हैविंग द फंक्शनल ग्रुप OH। OH फंक्शनल ग्रुप और कमर्शियल के लिए यूज हो तो दैट इज व्हाट? इथेनॉल, ओके।
फॉर्मूला उसका लिखना है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, C2H5OH, राइट, केमिकल इक्वेशन टू शो इट्स रिएक्शन, तो उसका रिएक्शन लिखना है C2H5OH प्लस Na, तो यहाँ पर क्या बनेगा, NaH की जगह पे आ जाएगा, तो यहाँ पर C2H5ONa, जिसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम एथॉक्साइड अलॉन्ग विद रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन हो तो यहाँ पर C2H5OH इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, तो H2SO4 क्या कर देगा, इसका डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ वाटर, तो जब वाटर लूज हो जाएगा तो वी लेफ्ट आउट विद द कंपाउंड दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 अलॉन्ग विद द लॉस ऑफ वाटर, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, एंड इट विल फॉर्म इथीन, इथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट, तो यहाँ पर C2H5OH का रिएक्शन जो है इथेनोइक एसिड से करना है, दैट इज CH3COOH, यहाँ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड क्या फॉर्म होगा, ईस्टर फॉर्म होगा, CH3COOH- और C2H5 साथ में CH3COOC2H5, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इट विल फॉर्म अ ईस्टर अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो C2H5OH, और अगर आप KMnO4 यूज कर रहे हो, KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो अल्कोहल किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड में, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3COOH अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ठीक है। ऑल्सो राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, जो मैं नेम ऑलरेडी बता चुका हूँ सबके, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन द हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंस पॉइंट देख लेते हैं। एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर मोर कॉम्प्लिकेटेड इन एनिमल्स, और प्लांट्स के अंदर जो है वो सिंपल होगा। एनिमल्स के अंदर नर्वस सिस्टम होंगे और एंडोक्राइन सिस्टम, हॉर्मोन्स वगैरह होंगे, ठीक है, और प्लांट्स के अंदर जो है नर्वस सिस्टम नहीं होती, खाली हॉर्मोन्स के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है ट्रांसफर होते हैं उनके बीच में। एनिमल्स हैव स्पेसिफिक ऑर्गन, स्पेसिफिक ग्लैंड जो रिलीज द हॉर्मोन, वायरस प्लांट्स के पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन या ग्लैंड नहीं है हॉर्मोन रिलीज करने के लिए, ठीक है। सो दिस वॉज अ 36 क्वेश्चन। Which part of the brain is responsible for intelligence? That is cerebrum. ठीक है, Riding a bicycle, that is hindbrain. Vomiting, controlled by medulla. Controlling hunger, that is hypothalamus. ठीक है, हाउ इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी। देखो ब्रेन के ऊपर तो स्कल प्रेजेंट है जो इंजरी से बचाएगा, ठीक है। सो ब्रेन कंसिस्ट ऑफ अ क्रेनियम, क्रेनियम इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द इनसाइड द ब्रेनी बॉक्स कॉल्ड एज क्रेनियम, तो प्रोटेक्शन हो जाएगी, ठीक है। द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द मेनिंग्स ऑफ द ब्रेन एंड क्रेनियम, तो यहाँ पर ये जो स्पाइनल कॉर्ड को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के काम के लिए क्रेनियम और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इन दो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट इज व्हाट आर ट्रॉपिक मूवमेंट्स, ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस दैट आर कॉल्ड एज ट्रॉपिक मूवमेंट। अब ग्रोथ रोकने के लिए कौन यूज करेगा, एब्सेसिक एसिड, ठीक है, प्रमोट सेल डिवीजन, दैट इज साइटोकिनेंस। एक्सप्लेन डायरेक्शन मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल्स इन अ पी प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच, तो उसको हम थिग्मोट्रोपिज्म बोलेंगे, और यहाँ पर कौन सा हॉर्मोन रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पर हॉर्मोन जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा हॉर्मोन है, दैट इज ऑक्सिन। अब इसको अगर एक्सप्लेन करना है टेंड्रिल्स वाले को, सो लेट सी, सम प्लांट्स लाइक पी प्लांट क्लाइम्स अप अनदर प्लांट बाय द मीन्स ऑफ टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच, वो टच एक्सपीरियंस करके जो है ऑब्जेक्ट का जो टच एक्सपीरियंस करके फर्दर ग्रो होंगे, ठीक है। दिस कॉजेज द टेंड्रिल्स टू सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट एंड दस क्लिंग इन टू इट, मोर कॉमनली प्लांट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस स्लोली बाय ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो वो टेंड्रिल्स जो है वो टच एक्सपीरियंस करके फर्दर ग्रो होने वाले हैं, दैट इज कम्स इन द थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। 36 क्वेश्चन इज कम्प्लीटेड। Now moving to the section E part. So let us start with the last section, that is section E. यहाँ कुछ statement लिखा है, ठीक है।
इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। लिस्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ हीटिंग एलिमेंट्स। हीटिंग एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज कैसी होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड बी ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होना चाहिए, दे शुड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, दे शुड बी मेड अप ऑफ एलॉय, डक्टिलिटी ज़्यादा होना चाहिए, इनका रेजिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, हाई। सो ये प्रॉपर्टी जो है वो होनी चाहिए हीटिंग एलिमेंट्स की। लिस्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर जो है वो एक एलॉय का बना हुआ होता है, ठीक है, सो इट शुड हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्यूज वायर मेल्ट्स एज सून एज द हाई वोल्टेज इज पास। जब बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पास होने लगेगा तो फ्यूज वायर जो है मेल्ट हो जाएगा। ऑल्सो इट शुड हैव हाई रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द प्रिंसिपल ऑन विच इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क। इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में वर्क करेगा। एक्सप्लेन हाउ अ फ्यूज वायर इज कैपेबल ऑफ सेविंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस फ्रॉम गेटिंग डैमेज ड्यू टू एक्सीडेंटली प्रोड्यूस हाई करंट। सो कभी भी बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट अगर सर्किट के अंदर फ्लो होने वाला है तो फ्यूज वायर क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो फ्यूज वायर के मेल्ट होने से जो है अप्लायंसेस सब सेफ हो जाएंगे, फाइन। अब और के अंदर क्वेश्चन है द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 1100। सो पावर दिया है दैट इज 1100 वाट्स, ठीक है। ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स इज 220 वोल्ट, तो वी की वैल्यू कितनी दी है, 220 वोल्ट दी है। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इन द सर्किट, तो करंट फाइंड करना है। सो वी हैव ई इक्वल्स टू वी इंटू आई, तो आई इक्वल्स टू पी अपॉन बी। पावर का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया है 1100, ठीक है। सो विल राइट 1100 और वी का वैल्यू कितना दिया है 220, ठीक है। सो व्हेन यू डिवाइड 1100 विद 220 तो क्या आंसर आएगा, इधर करंट कितना आएगा 5, ठीक है। फाइंड द करंट फ्लोइंग आ जाएगा, व्हाट विल हैपन टू द इलेक्ट्रिक फ्यूज ऑफ रेटिंग 5 एम्पियर्स कनेक्टेड इन दिस सर्किट। नाउ करंट भी 5 एम्पियर का प्रोड्यूस हो रहा है और हमारे पास जो है फ्यूज भी 5 एम्पियर का है, ठीक है। तो फ्यूज जो है वो करंट जो है 5 एम्पियर से ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, ठीक है। वो 6 एम्पियर अगर होता, अगर 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा होता तो फ्यूज जो है वो ब्रेक हो जाता। तो यहाँ पर फ्यूज वायर जो है वो ब्रेक नहीं होगा और सर्किट जो है कम्प्लीटली वर्क करेगा। नेक्स्ट इज सॉल्ट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल, दैट इज सोडियम क्लोराइड वगैरह स्टेटमेंट दिया है। आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म, तो सोडियम क्लोराइड कहाँ से बनेगा। जैसे हमें NaCl बनाना है, ठीक है, पहले वाले पोर्शन को आप Na को OH दे दो और H को Cl दे दो, तो यहाँ पर क्या होगा NaOH और HCl से हमें क्या मिलेगा NaCl। आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस, तो यहाँ पर एसिड कौन सा है HCl और बेस कौन सा है NaOH। फाइंड द कैटायंस एंड एनायंस प्रेजेंट इन कैल्शियम सल्फेट, अब कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा CaSO4। यहाँ पर कैटायन क्या हो गया Ca2+ और एनायन क्या हो गया SO4 2-। सोडियम क्लोराइड एंड वॉशिंग सोडा बोथ बिलोंग टू द सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, कैसे। सोडियम क्लोराइड होता है NaCl और वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3, तो सेम फैमिली से कैसे बिलोंग करे, बिकॉज दोनों के अंदर क्या कॉमन है, सोडियम आयन कॉमन है। नेक्स्ट इज डिफाइन द pH स्केल। pH स्केल इज अ स्केल विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to 14, ठीक है। pH रेंज क्या होती है 0 से लेके 14, जो एक सॉल्यूशन के बारे में बताती है कि वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल। नेम द सॉल्ट ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सो KOH का रिएक्शन किससे करना है, सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज व्हाट H2SO4, ठीक है। तो पोटेशियम जो SO4 के साथ जाके क्या फॉर्म करेगा K2SO4 अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट H2O, तो यहाँ पर सॉल्ट जो फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म होगा K2SO4 सॉल्ट विल बी फॉर्म। नेक्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह हो रहा है जिसमें प्लेनेरिया 3 पार्ट्स में कट रहा है और बाद में ये O और P 2 फॉर्म करने वाला है। विच ऑफ द कट पीस ऑफ द 2 प्लेनेरिया वुड रीजनरेट टू फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, तो ये O है और P है, दोनों के दोनों जो है वापस से रीजनरेट होंगे, ठीक है, इक्वली डिवाइडेड है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म विच फॉलोज द सेम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। प्लेनेरिया किसमें हो सकता है, स्टारफिश के अंदर हो सकता है, ठीक है।
मतलब रीजनरेशन स्टारफिश के अंदर हो सकता है, हाइड्रा के अंदर हो सकता है, तो इनके अंदर पॉसिबल है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इन रीजनरेशन? सो रीजनरेशन मीन्स एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू ग्रो फ्रॉम इट्स कट बॉडी पार्ट. जो भी कट बॉडी पार्ट होगा दैट विल डेवलप बॉल्स ऑफ सेल्स. सो बॉल्स ऑफ सेल्स विल ग्रो इन देयर अप्रोप्रिएट पोजिशन और न्यू प्लेनेरिया जो है वो फॉर्म हो जाएगा. नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन. सो फ्रेगमेंटेशन जो है अकर्स इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म विद अ सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, वेर एज रीजनरेशन अकर्स इन फुल्ली डिफरेंशिएटेड मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म विद कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर क्या है, सिंपल है. फ्रेगमेंटेशन में एक ऑर्गेनिज्म दो या ज्यादा पीस में ब्रेक डाउन होगा, ठीक है. रीजनरेशन में भी इफ ब्रेक्स इन टू पीसेस, हर एक पीस जो है ईच पीस मे और मे नॉट डेवलप इन टू न्यू इंडिविजुअल. तो यहाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है कुछ पीस डेवलप हो या ना हो. नो स्पेशलाइज सेल्स आर इन्वॉल्व इन फ्रेगमेंटेशन. और यहाँ पर जो है स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, बॉल्स ऑफ सेल्स फॉर्म होंगे, साथ में कंबाइन होंगे, टिश्यूज बनाएंगे और फुल एक ऑर्गेनिज्म बनेगा. फ्रेगमेंटेशन में एग्जाम्पल क्या है, स्पायरोगायरा. और रीजनरेशन में जो है रीजनरेशन ऑफ ब्लड सेल इन मैमल्स भी हम ले सकते हैं एग्जाम्पल. थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू हैव अंडरस्टूड एंड होप यू हैव स्कोर्ड फुल मार्क्स इन योर साइंस एग्जाम. थैंक यू.